हेलो गाइस, सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड के तरफ से CUET PG काउंसलिंग रिपोर्टिंग जो है 3 नवंबर को 3 नवंबर को कल की गई थी, और आज जो है सीट अलॉटमेंट भी आ गई है। लेकिन यहाँ पर BEd का और MBA का सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ है, क्योंकि इसके लिए और भी टाइम दिया गया है। 9 नवंबर को, यानी कि 9 नवंबर को फिर से मौका दिया गया है यानी कि रिपोर्ट करने के लिए। और देखिए, एक नया नोटिस जारी किया गया है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और बैचलर ऑफ एजुकेशन BEd के लिए 9 नवंबर को 10 AM to 5 PM में रिपोर्टिंग करना है। परसेंटाइल स्कोर जिनका भी SC में 55 से अधिक है, ST में 70 से अधिक है, OBC में 79 से अधिक है, EWS में 77 से अधिक है, अनरिजर्व में 85 से अधिक है, सभी लोग 9 नवंबर को रिपोर्टिंग करना है। और 10 नवंबर को अलॉटमेंट लिस्ट जारी किया जाएगा कि किनका किनका सिलेक्शन हो गया। तो 9 नवंबर को आप लोग रिपोर्ट कर सकते हैं BEd के लिए और MBA के लिए। बाकी लोग जो रिपोर्ट किए हैं उनका लिस्ट भी आ गया है, और लिस्ट भी चेक कर सकते हैं। पीजी का वो भी दिखा देते हैं कैसे चेक करना है और कहाँ किस वेन्यू पर रिपोर्ट करना है, ये भी वेबसाइट पर दिया गया है। चलिए यहाँ पर देखते हैं। ये जो है PG अलॉटमेंट लिस्ट, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको अलॉटमेंट लिस्ट मिल जाएगा। देख सकते हैं सभी सब्जेक्ट का, MSc केमिस्ट्री में किनको किनको मिला है, नेम है, ओरिजिनल कैटेगरी है, अलॉटेड कैटेगरी है, टोटल स्कोर है, और सब कुछ यहाँ पे है। MSc केमिस्ट्री का MA इंग्लिश है, MSc फिजिक्स है, MSc ज्योग्राफी है, MA मास कम्युनिकेशन है। जितने भी PG के हैं, सिर्फ MBA और BEd का नहीं हो पाया है, उनका 9 नवंबर को दिया गया है। अब तो MBA और BEd का कहाँ करना है, तो वेन्यू भी यहाँ पर दिया गया है। BEd का जो है न्यू कैंपस है वहाँ पे करना है। इस प्रकार से आप लोग देख लीजिएगा कि कहाँ पे करना है कहाँ नहीं करना है। स्कूल टाइप बिल्डिंग चेरी मनातु कैंपस, सब कुछ यहाँ पे बताया गया है, आप देख सकते हैं। तो देख लेते हैं BEd का, BEd का जो है चेरी मनातु कैंपस नियर ITBP कैंप ब्लॉक आके यहाँ पे करना है। MBA का भी देख लेते हैं, MBA का करना है ओल्ड कैंपस में। तो इस प्रकार से है।